वेलकम बैक टू अनदर चैलेंज वीडियो। आज ना मैं जिस टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ ना, उस टॉपिक का नाम है कॉमन सेंस। अब तुझे तो पता ही यार, कॉमन सेंस एक ऐसी सेंस है जो बहुत लोगों के पास नहीं होती है। उसमें से गाइस मैं जैसे कि तू एक, तो मैं खुद ही दे रही थी, तुझे बोलने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद दे रही थी गाइस। मेरे से ना कई बार ऐसे सवाल पूछता है ना जो कि मेरे को बिल्कुल यहाँ से पता नहीं कैसे चले जाते हैं, मतलब उस टाइम ना बुद्धि काम ही नहीं करती है। बहुत ज़्यादा बेसिक सवाल होते हैं, इसको पता ही नहीं चलता कि क्या है। तो रुक जा बेटा, रुक जा। आज इस वीडियो में मैं तेरी कॉमन सेंस टेस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि अपने आपको बहुत शाना समझता है कि भाई मेरे में ही सारी कॉमन सेंस भरी है, इसीलिए ना मेरी बहुत बेइज्जती करता है। तो इसलिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि मुझ में ही नहीं, मेरे भाई में भी कॉमन सेंस की कमी है। और आज मेरे लिए कोई सवाल नहीं गाइस, क्योंकि मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे में ज्यादा कॉमन सेंस नहीं है, लेकिन ये बहुत शाना बनता है ना, तो आज सारे सवाल इसी के लिए होने वाले हैं। और अगर ये उन सवालों का सही जवाब देगा ना, तो इस पानी के अंदर मैं अपना मुंह डाल दूंगी, ठीक है। लेकिन अगर तूने जवाब गलत दिया तो ये उल्टा आपके लिए है, तभी मैंने यहाँ तौलिए पे रखे हैं। माइक को गीला ना कर रहे प्लीज कृपया। तेरा पहला सवाल क्या है? एक इंसान बिना नींद के 8 दिन तक कैसे रह सकता है? बिना नींद के? हाँ, फिर से मैं एक बार रिपीट कर लेती हूँ। एक इंसान बिना नींद के 8 दिन तक कैसे रह सकता है, कैसे सरवाइव कर सकता है? बिना नींद के, यानी कि उसके पास नींद नहीं है, मतलब बिना सोए, वही मतलब है। एक आदमी बिना सोए 8 दिन तक कैसे सरवाइव कर सकता है? 8 दिन तक कैसे सरवाइव कर सकता है? गाइस आप लोग बिना, आप लोग भी रात को सोए, पानी में मुंह नहीं जाएगा आज हमारा। मैं ना बोलने वाली थी कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, तो उतने में इससे सही जवाब दिया है। बदले गाइस मैं बैठा हूं यहां पे, टेंशन मत। मैंने बहुत टफ सवाल लाया, इसके बाद ये पहला वाला इजी था। ठीक है, ठीक है। मुंह पे पानी पड़ेगा बेचे, आज शर्मा तेरे तेरी बारी आने वाली है। कोई बात नहीं, ठीक है, थेरेपी ले रही है। और तेरे नाक का, नाक के अंदर पानी डाल दे, मैं क्या डालूं इसके अंदर मुंह, बता। नहीं ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, झूठ मत बोल। कहीं मैंने नाक का पानी नहीं डाला इसमें, जो बकवास। और नाक का पानी क्या होता है बताइए, बेचारा साफ टॉर्चर हो रहा है। By the way, इसमें नहीं है यार सच में इतनी कॉमन सेंस, मुझे नहीं पता कि वीडियो के टाइम इसको कहां से क्या आ जाता है अंदर से, पता नहीं कहां से शक्ति आ जाती है। बहुत ज्यादा है मेरे अंदर, ये मानना नहीं चाहते हैं ना, क्या करें। तो ऑल राइट, पहले क्वेश्चन में अपनी बेइज्जती कराने के बाद दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी कौन सी भाषा है जो खाने में काम आती है? मतलब ऐसी कौन सी भाषा है जो खाने में काम आती है? आप लोग भी फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में आंसर्स लिखो। ये कॉमन सेंस तो हो नहीं सकता, ये कैसे कॉमन सेंस, खाने में काम आती है ये खाना। अरे तू देख लेना, रिलेटेबल हो सकता है ना, नाम जैसे रिलेटेबल हो सकता है कि ऐसी कौन सी खाने खाने की चीज है जो कि एक लैंग्वेज भी है। प्लीज भगवान जी, आज इसके मुंह पे मैक्सिमम बार पानी पड़ना चाहिए। कौन सी लैंग्वेज की बात करें, किसी हाँ, देश की लैंग्वेज? हाँ, ऐसी कौन सी भाषा जो खाने में भी काम आती है? चल हार मान ले, मैंने भी मुंह में डाला ना पानी, सॉरी पानी में डाला ना मुंह में डाला ना पानी। ये तो बहुत इम्पॉसिबल है यार, ये तो हार मान ली, ये तो जनरल नॉलेज वाली बात, हार मान ली, कॉमन सेंस वाली बात कैसे हो सकती है? दोनों कुछ यार, तू चुप रहे यार, तू चुप रहे। और ऐसा लैंग्वेज का नाम है जो एक ही है, एक ही है। हाँ तो ये तो नॉलेज वाली बात है ना, तो नहीं है ना तेरे को, वो भी नहीं है ना, तो कॉमन सेंस, कॉमन सेंस है। जहाँ से मैंने सवाल निकाला उसमें लिखा था कि कॉमन सेंस का मतलब होता है जो आम सी बात है। गूगल बाबा ने मुझे बताया कि ये कॉमन सेंस का सवाल है। टर्किश। तो आपने अपना उत्तर दे दिया, टर्किश। टर्किश क्या होता है बताइए जरा। टर्की खाने के लिए भी होता है बाहर के देश में, और टर्की देश की लैंग्वेज को टर्किश बोलते हैं, या बोलते एक प्रॉपर नाम है जो कि खाने का नाम है, ऐसे टर्की टर्किश करने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, थोड़ा भी डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा भी डिफरेंस, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। चाइनीज फूड, चाइनीज और चाइनीज, मैं तुक्के में किया। एक्चुअली इसका आंसर पता क्या था? चीनी भाषा, चीनी। ओ बट यार ये कहीं ना कहीं सही निकला, चाइनीज भाषा को हिंदी में चीनी बोलते हैं ना, चीनी। मुझे आज भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये वही लड़का है जो बचपन में जीके में फेल हुआ था। हाँ, सिक्स्थ क्लास में हुआ था। मेरा चैनल मेरे पे क्यों भारी पड़ता है, मैं बॉल नहीं उठाऊंगी, मैं लास्ट बार सांप को मुंह से पकड़ना, ठीक है ना, नहीं ये लास्ट का वो है टास्क है। चल डांग से हाँ, देखो तो 2 सेकंड में सांस गेस का है ना। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। एक ऐसी क्या चीज है जो सिर्फ बढ़ती है और कभी घटती नहीं? जो सिर्फ बढ़ती है हाँ, और कभी घटती नहीं? नो यार, नो। तू इतनी जल्दी कैसे तेरे पड़ा रही तेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चल पानी मार यार, भाई रहने देना प्लीज। 3 मार दिया ना मैंने, लगता तो चौथा तू मार दियो अपने आप ही ना। अगले क्वेश्चन की तरफ, मेरी उम्मीद भी टूट रही है, एकदम टूट रही है, मुझे अपने पे पहले भरोसा नहीं था, पर बंदा कैसे इतना तेज हो सकता है यार। कौन सी चीज है जिसके पास पांव नहीं है लेकिन वो हमेशा चलती रहती है? पांव नहीं है
लेकिन वो हमेशा चलती रहती है, कभी तेज कभी स्लो। समय नहीं, ऐसे कभी तेज कभी स्लो, तूने लास्ट में बोला है। चल चल, कभी नहीं हो, नहीं कभी फास्ट होगी। हमारी देवी, हमारी नदी, नदी नहीं है इसका सही जवाब। नदी, नदी इसलिए नहीं है क्योंकि कई जगह नदी कांस्टेंट भी हो जाती है। अरे वो नदी नहीं होती ना, पॉसिबिलिटी नहीं लगानी ना, 100% जो मैं चीज बोल रही हूँ वो चलती ही चलती है, 100% कभी रुकेगी नहीं। मुझे लग रहा था नदी होगा इसका बट टेन। चुप रहना, तो ऐसे ऐसे वो चल, मैं ऐसे करूंगी धीरे धीरे। नहीं नहीं, 10 सेकंड कुछ नहीं है, रुक जा, मुझे सोचना है। चलती रहती है बोला तूने, रहती है और क्या, चलती रहती है हमेशा। चढ़ेगी तो नहीं, चुप हो जाए यार, 5 सेकंड कुछ नहीं है, ये बकवास से करनी है। रुक जा, मैं खुद इसका जवाब सोचूंगा, बताऊंगा। जब मेरे को लगेगा कि बिल्कुल नहीं आ रहा, मैं तो को बता दूंगा फिर नहीं आ रहा है। यार ये तो चीटिंग नहीं होगी? कहते तूने ये रूल पहले बताने चाहिए। अबे ये देख, अब तो गेम के बीच में रूल चेंज कर रही है, इसका मतलब तू हार रही है। अबे मेरी वीडियो, मेरी वीडियो ना कुल 15 मिनट की होती है, तो आधे घंटे की चल जाएगी, तू ऐसे सोचते सोचते आधे घंटे की हो जाएगी। यस, चलते रहते हो हमेशा। ये ना ऐसे ही कर रहा है, ये पता क्या कर रहा है, ये पता कैसे कर रहा है कि कॉन्स्टेंटली मतलब बातें करे जा रहा है। ये बंदा मेरे को एक जवाब नहीं दे रहा है, ये मेरे को 5 जवाब दे रहा है, लास्ट में सही जवाब दे रहा है, तो मैं क्या करूं? बोलिए हवा कहाँ चल रही है? सुन ले मेरी बात, 5 क्वेश्चन पूरे हो गए ना, सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछने वाले गाइस मैं अब इससे, लेकिन अब रूल चेंज हो क्योंकि ये मेरा सर खा रहा है वैसे करके, क्योंकि मैं चाहती हूँ इसका मुंह इस पे पड़े। अब सिर्फ ओनली 15 सेकंड, 10 मिनट 15 सेकंड दे रही हूँ, और मल्टीपल ये है कि ये सिर्फ 3 उत्तर दे सकता है। ठीक है, 3 उत्तर का ठीक है, 15 सेकंड तो बहुत ही कम है। Why then 3? अगर 15 सेकंड है तो दो बार देना जवाब। ऐसा कौन सा जानवर है जो जूते पहनकर सोता है? अगर ऐसा कोई जानवर नहीं हुआ कोई ऐसा जानवर होगा बाहर का जो पता नहीं है, जिसका नाम मेरे को नहीं, ये मैं तेरे को हिंट दे रही हूँ, पता है तेरे को, ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसका तेरे को पता नहीं है, जूते पहन के जो सोता है। तो मैं का नाम मैं सोच रहा हूँ, बता दे। ऐसे नाल लगाते हैं ना नीचे, बट वो सही जवाब नहीं होगा उसका। क्या बोल सकते हैं? शूज पहन के सोता है, उसके नाम में शूज तो नहीं है। अरे मेरे से क्यों पूछ रहे, कितना वियर्ड है, मेरे क्वेश्चन में आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। एक जानवर है जिसका ना ऐसे, इसके नाम में शूज आता है, मैं नाम भूल गया उसका, है ना, बता। चींटियां खाता, जैसे लंबी सी नाक होती है उसकी, पता नहीं है मुझे, खुद नहीं पता कौन सा जानवर। अच्छा वो जो कार्टून में आता है जिसकी सूंड इतनी लंबी, नहीं अरे यार देख रहे हो, सूंड नहीं भाई, देख रहे हो ये क्या कर रहा है, देख रहे हो क्या कर रहा है, देख रहे हो कॉमन सेंस कितनी ज्यादा तेज, दिमाग कितना तेज है मेरा, बहुत बदतमीज है। मैं कौन ना बोलता इससे बुलवा दे, वो नहीं है, बदतमीज है यार, ये तो कौन पहनता है यार। तू 15 सेकंड का टाइमर ले ले, बदतमीज नहीं, तो तू मेरी वीडियो में बहुत लंबी कर रहा है। बोल रही है कि वो जूते पहन के सोता है, ऑब्वियसली जब वो नॉर्मल चलता है तो जूते उतार देता है। यार कॉमन सेंस इसी को बोलते हैं कि सवाल ही ऐसा बनाया हुआ कि कई बार सवाल में जवाब होता है और वैसा ही होता है, और ये क्या कोई जानवर जूते पहन के सोएगा? जूते पहन के बिस्तर में घुस जाती है, बिल्ली सोती है जूते पहन के, मैंने देखा था एक बार। दूसरा गैस मार दे, ये पानी ना मैं, तीसरा गैस तो देखा, तीसरा गैस गलत होगा ना सीधा, या तो सही या तो गलत, बात खत्म। हाथी, एकदम गलत जवाब। अब आपको सबसे पहले पानी, तो भूल गया, पहले मुंह में पानी मार। इसका जवाब ये तो नहीं, कोई भी नहीं। सीरियसली यार इसके साथ चैलेंज करना मेरे को भारी पड़ता, तूने पानी नीचे गिरा दिया अपनी दाढ़ी से सारा। वो वाला जानवर है, तूने बोलता है इसको नाल लगाई जाती है, घोड़ा। हाँ उसको एक्चुअली में वही, उसको निकालते, नाल को निकालते, उसको पहनाया जाता है, पता वो तो मेरे को पता, नाल को यार, बंदे का दिमाग दौड़ रहा था, लेकिन बंदा दिमाग के पीछे नहीं दौड़ रहा था। मैंने ना घोड़ा मैंने सोच दिया था। ऐसा क्या है जो हमारे सामने होता है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते? जो हमारे सामने ही होता है और हम उसे लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। मैं सच बताऊं, गूगल ने थोड़े से ऐसे उटपटांग से, या तो इतना शार्प कब से हो गया भाई, तेरे में तो दिमाग ही नहीं था। नहीं यार सही लगा, मैं बोलूंगा भूत, इसको लगा मैं बोलूंगा, है ना, ये लगा ना तेरे को? यार मैंने कभी जिंदगी में सोचा था कि गाइस ये फ्यूचर बोल देगा, पर चलो एनीवेज मैं अपना माइक बचाते हुए, क्योंकि ये कहावत में नहीं आता है कि सामने ही है फ्यूचर अपना। गाइज इसी बात पे ना काम कर दो ना, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे सब्सक्राइब हो जाओ, कर दो भाई। इसके साथ तो मेरे को लग रहा है चैलेंज सोच समझ के ही लेना पड़ता है। गाइज जो नेक्स्ट सवाल है ना वो मुझे इसे इंग्लिश में ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में इसको तुरंत पता चल जाएगा, तो इसलिए हम इंग्लिश में पूछेंगे। हाउ कैन यू ड्रॉप अ रॉ एग ऑन टू अ कॉन्क्रीट फ्लोर विदाउट क्रैकिंग इट? विदाउट क्रैकिंग इट, कैसे? अब कैसे? देखो मैं सवाल तो समझ गया, उसके अंडे की बात नहीं, बात करी फ्लोर के क्रैक होने की, ठीक है ना, तो वो तो ऐसे भी क्रैक होगा नहीं, तो ऐसे फेंक दे, ऐसे फेंक दे, ऐसे फेंक दे। अगला क्वेश्चन, वो क्या है जो बिना बुलाए ही चली आती है? तेरी क्वीन जैस्मिन के अलावा बिना बुलाए चली आती है, गेस कर दो पक्का, घंटी। बुलाता कोई नहीं है, खुद ही आ जाती है।
ये ना वन ऑफ द पॉसिबल आंसर, वैसे अगर इसमें सोचा जाए सही जवाब है, कॉमन सेंस वाला ही है, पर चल तेरा जवाब, बट एक्चुअली जवाब कुछ और है, पर तो ये मेरा गलत नहीं हुआ। हाँ, इसने अपने टट्टी दिमाग के हिसाब से टट्टी आंसर किया जो कि एकदम सही है। चलिए गाइस, इसका आंसर नींद था बट इसकी टट्टी जवाब भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मेरे से एक ही मोटिव है, इसका मुंह जाना चाहिए, एक बार जाना चाहिए, एक बार। ऐसी कौन सी चीज है किसी को देने के बाद भी आप अपने पास रख लेते हैं? ये तो बहुत डिफिकल्ट होना था। ये क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो किसी को देने के बाद भी आप अपने पास रख लेते हैं? रख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा अगर इसका इसमें मुंह बढ़ गया, नहीं तो एक और सवाल पूछूंगा, एक और। ये तो इम्पॉसिबल है यार, इम्पॉसिबल है। मैं तेरे को एक ऐसी इसमें हिंट दूं, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ है ये ना, कि इसी चीज की वजह से ना हमारे जो भगवान श्री राम है ना वो वनवास गए थे। क्या हो सकता है? वनवास तो इसलिए गए थे क्योंकि पिताजी ने वचन दिया था। वचन? हाँ, कैसा बंदा है? वचन कैसे रख लेते हैं? मैं भी इस बात का ना जवाब फिर से सुन रहा हूं, कैसे रख लेते हैं? इसमें लिखा है वचन, वचन। अच्छा, मैं तेरे को वचन देता हूँ। हाँ। मैंने तो वचन दिया कि फेंक देते हो। जल्दी बता, जल्दी बता, नहीं तो प्लीज पानी में। हाँ, इसका यही जवाब है। मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है तेरे ऊपर ना, कि तेरा मूड इसमें क्यों नहीं जा रहा है। लास्ट पूछ लेती हूँ, फूल भी हूँ फल भी हूँ और हूँ मिठाई, तो बताओ क्या हूँ मैं भाई? 10 सेकंड में जवाब दे रहा है, बहुत इजी। फल भी हूँ, हूँ मैं मिठाई, बताओ क्या हूँ मैं भाई? 10 सेकंड में। फूल फल हूँ मैं मिठाई, यार कैसे चलेगा बता, 10 सेकंड में नहीं चलेगा बता। आर्ट करना पड़ेगा भाई। फूल भी हूँ फल भी हूँ मैं हूँ मिठाई। यार ये ना मेरे से टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है। फूल भी हूँ फल भी हूँ हूँ मिठाई, अब मैं क्या हूँ भाई? चल 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 प्लीज प्लीज प्लीज, हो चुका है खत्म भाई। अरे तू चैलेंज जीत गया मेरे भाई, को एक बार तो डालना पड़ेगा। जवाब चाहिए मेरे को इसका। हाँ, जवाब जवाब मिल जाएगा गाइस। आप लोगों को पता लग गया होगा ना अभी तक, तो बाल भी गाते, मैं यही चाहती थी। इसका जवाब है गुलाब जामुन। कैसे हो सकता है? गुलाब फूल, जामुन फ्रूट, गुलाब जामुन मिठाई, ये अच्छा था। तो फाइनली मेरा भाई लेकिन जीत गया है। लास्ट वाला मैं गेस नहीं कर पाया। नहीं, अच्छा मेरा भाई एक्चुअली, हाँ जो सबसे इजी था ना, मैं मेरे से शर्ट काट ले। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने अभी तक इसका जवाब दे भी दिया होगा कि गुलाब जामुन है भैया। टाइम ही नहीं दे रही है, 10 सेकंड टाइम क्यों दूं? 1 सेकंड तू ना, आज अगर ये जीता है ना, सोचने का मौका तो दे। आज अगर ये जीता है ना तो सिर्फ टाइम की वजह से, कसम से बोल रहा हूं। इसके 3-4 जो मैंने ही, टाइम कुछ नहीं है, मैंने बस नॉर्मल कॉमन सेंस लगा और मैं जीत गया हर बार। बाकी गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, और हम दूसरे प्लीज एक बार ये डांस दिखा दे। आई स्वेर ये हर बार जब मैं ये हर बार ये पीछे से डांस करता है और अभी भी कर रहा है, बहुत ही बेकार डांस करता है ये। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट चैलेंज वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और बाय द वे, हां स्मार्टी एक्चुअली में इंटेलिजेंट है।